और अब खबरें विस्तार से। मानगो स्थित मुथूत फाइनेंस में दोपहर लगभग 2:45 बजे दो के संख्या में हथियारबंद लुटेरों ने कर्मचारियों को बंधक बनाकर करीब आधा किलो सोना लूट लिया। मानगो स्थित मुथूत फाइनेंस में सोमवार की दोपहर लगभग 2:45 बजे दो के संख्या में आए हथियारबंद युवकों ने गार्ड और कर्मचारियों को स्ट्रांग रूम में बंद कर करीब आधा किलो सोना लूट ले गए। साथ ही जाते जाते वे सीसीटीवी कैमरे का मॉनिटर भी लेते गए। कर्मचारियों से पुलिस पूछताछ कर रही है और गार्ड श्याम बिहारी से भी पूछताछ होगी। हम सर लगा कि ऑडिट कुछ हो रहा है, इसलिए बोले अंदर चलो ले आके बंद कर दिया। अच्छा, फिर बस कितने लोग थे? आपको तो दो ही आदमी दिखा और स्टाफ लोग सबको निकल के सामने आए। आप क्या करने आए थे? हम अपना गोल्ड लेने आए। कितना का गोल्ड? पूरा कुछ नहीं, अब उतना और ये नहीं। आप कितना कर रखे थे? हम 1 लाख लिए थे गोल्ड रखकर के, तो वापस। उन दोनों के हाथ में गुस्सा नहीं? वो देख नहीं, बाहर आते हैं, वो रहते हैं यहाँ अंदर में। ये आपको जो है एंट्री तो जो किए हैं, जो मैं तो 2:40 का ही है टाइम, उसमें आपको 2:40 का ही है। कस्टमर जो मैं कस्टमर जो मतलब बन के आए हैं ना, एंट्री किए वहाँ पर है ना, एंट्री करके बाद जो हमारा जो है ना ड्यूटी है जो मतलब चेक करने का, तो जैसे हमने जो मतलब कमर में हाथ लगाया कि हमारा जो मतलब गर्दन दबा के एक आदमी जिसको हम जो मतलब जो चेक कर थे जो है वही हमारा जो मतलब कि, और जो दूसरा आदमी था तुरंत जो हमारे हाथ से जो मतलब चाबी लेके जो मतलब गेट खोला और जो मतलब अंदर जो है ना लेते हुए आ गया मुझे भी अंदर लेते हुए अंदर जो लॉकअप में जो मतलब खेल दिया मुझे। दूसरा वाला क्या कर रहा था? जी दूसरा वाला सिक्योरिटी आपका था उनको भी जो हम एक ही साथ जो है ना उनको भी हमको भी जो मतलब अंदर जो मतलब लॉकअप में जो नहीं हम चिपके आ रहे जी हाँ क्या? जी हाँ खाली आता हाँ। लेके कैसे गया? पाब्लो तो शोर नहीं मचाए मौका जो है ना मतलब कैसे जो है वो तो जो गर्दन पर हाथ है और जो है एक पास जो मतलब मशीन है जो मतलब सटाए हुए हैं तुरंत जो मतलब गेट खुले आज जो मतलब अंदर जो मतलब ले आया हम लोगों को। तो अंदर में लोग देख रहे थे? अंदर में जो है ना कस्टमर जो बन के आया था जो है ना पहले से दो लोग थे उसमें और कस्टमर थे? कस्टमर जो हाँ थे और तो देख के शोर नहीं मचाया? कस्टमर जो है ना मतलब पहले जो है ना मतलब बन के आए थे वो लोग भी जो है ना उन्हीं के जो है ना आदमी जो है ना थे। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि पहले से भी अंदर थे? पहले से भी लोग थे उन्हीं के जो है ना आदमी थे। नाम क्या हुआ? श्याम जायसवाल। इस घटना को अंजाम देने की बात आई है, अपराधकर्मी दो की संख्या में अंदर घुसे हैं और यहाँ पे 2 सुरक्षा कर्मी थे, उनको ओवर पावर करने की बात बताई जा रही है और करीब 10 स्टाफ था और एक कस्टमर था, उनको स्ट्रांग रूम में बंद करके वहाँ से करीब 6 डिब्बों में से जो है जो गहने रखे हुए थे उनको ले जाने की बात अभी तक सामने में आई है और बाकी जांच चल रही है, कार्रवाई अभी छापेमारी चल रही है। कितना गहना वेट? अभी क्लियर नहीं है लेकिन अब कोई क्लियर अंदाजा नहीं अभी क्योंकि इनका कैलकुलेशन चल रहा है। कितना मारे करीब आधा किलो के करीब बता रहा है। हाँ ऐसे बता रहे जो अभी कुछ लोग घायल भी हुए? नहीं वैसी नहीं है। सीसीटीवी फुटेज का कुछ बता रहा है? जो अभी बात आई है कि सीसीटीवी का जो प्रोसेसर था उसको वो लोग उखाड़ के ले गया है, बाकी अभी बहुत प्राइमरी स्टेज है, जांच के बाद फिर आगे का बताएं। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के विरोध में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के बैनर तले आदिवासियों ने पारंपरिक हथियारों के साथ उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया एवं इसे वापस लेने की मांग की है। आदिवासियों ने काफी संघर्ष के बाद वापस करो, आतंकवादी भारत के संविधान और कानून नहीं मानने वाले नरेंद्र मोदी आतंकवादी भारत छोड़ो भारत छोड़ो भारत छोड़ो।
आज हम लोग पूर्वी सिंहभूम में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा जिला कमेटी और पूर्वी सिंहभूम के ग्राम सभा के अध्यक्ष और ग्रामीणों के साथ दिल्ली जंतर मंतर में चल रहे सामाजिक कार्यकर्ता श्री अन्ना हजारे के समर्थन में, जो भारत के प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार इस भारत देश में आदिवासियों की जमीन को लूटने का और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के खिलाफ में, हम लोग इस भारत देश में काले कानून, इस भूमि अधिग्रहण कानून का हम लोग विरोध कर रहे हैं और भारत देश में जन लोकपाल का समर्थन में आज पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त कार्यालय के समक्ष हम लोग एक दिवसीय धरना में बैठे हैं। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज और वुमेन्स कॉलेज के प्राचार्य को हटाए जाने का विरोध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोरदार तरीके से कर रहा है। जमशेदपुर कॉलेज की प्राचार्य सुमिता मुखर्जी को कुलपति ने बिना किसी नोटिस के हटाकर दूसरी प्राचार्य को पदभार दे दिया। पर सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा मचाया गया। प्रदेश महामंत्री प्रभात शंकर तिवारी, रविशंकर प्रसाद सिंह और सुखदेव सिंह की अगुवाई में सदस्यों ने वर्तमान प्राचार्य को कक्ष में जाने से रोक दिया और बतौर प्राचार्य कार्य करने का विरोध भी किया। इस पर काफी देर तक बहस भी चली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बी.बी. सिंह पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया गया। आपको विद्यार्थी परिषद आपको बर्दाश्त नहीं करेगा, हम बता दे रहे हैं। अगर हमको काम करना है शायद आप प्रिंसिपल पदभार प्रिंसिपल प्रभारी प्रिंसिपल के नाते आप कोई काम नहीं करेंगे। हमको कॉलेज के देखना है। आप बांगना विभाग की हेड होने के नाते आप अपना कार्य कर सकती है, प्रभारी प्रिंसिपल होने के नाते आप कार्य न करेंगे। देखिए कॉलेज एज अ सीनियर मोस्ट टीचर आई हैव टू डू माय ड्यूटी। वो आप पहले भी अपना सेवा दे रहे हैं कि अभी भी आप दे सकते हैं? आप वही जैसे आप सेवा पहले दे रही वैसे दीजिए, प्रिंसिपल के नाते आप कुछ नहीं करेंगे। आपका बहन, आपका घर का, आपका किसी का बहन जी जी जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता मुखर्जी हम देखे किसी के समर्थन में किसी का विरोध। मैडम हम किसी के ना, लेकिन उनको हम लोग गलत शिक्षा नहीं देना चाहेंगे और गलत है ना असंवैधानिक तरीके से पूरा कार्य हो रहा है। डीसी से बात हो चुकी है, डीसी से हम लोग बात। ये कुलपति कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा जो ये तानाशाही रवैया के अनुसार ये जो फैसला लिया गया है, दो कॉलेजों को प्रिंसिपल जो हटाए गए हैं और नए प्रिंसिपल जो दायित्व में लाए गए हैं, पदभार जो संभाले हैं, उसका विरोध हम लोग प्रथम दिन में किया था हम लोगों ने। लेकिन पेपर के माध्यम से दूसरे दिन हम लोगों को पता चला कि उन्होंने दोबारा पदभार संभाल लिया है। इसका पुरजोर विरोध करने अभी वुमेन्स कॉलेज हम लोग आए हैं। अभी मैडम इंडोर स्टेडियम में अपना कुछ डॉक्यूमेंट साइन कर रही हैं, उसका विरोध हम लोग वहां पर करने जा रहे हैं। सभी पत्रकारों से आग्रह है कि आप लोगों झारखंड स्टील ठेका मजदूर संघ के बैनर पर उचित पैकेज की मांग को लेकर टाटा स्टील में 1980 के दशक में कार्यरत ठेका मजदूरों ने जनरल ऑफिस गेट पर प्रदर्शन किया। 1980 के दशक में ठेका कर्मी के तौर पर कार्यरत मजदूरों ने सोमवार को टाटा स्टील जनरल ऑफिस गेट के बाहर प्रदर्शन किया। वे पहले स्थायीकरण की मांग पर अड़े थे, पर अब वे प्रबंधन से उचित पैकेज एवं आश्रितों को नौकरी की मांग कर रहे हैं। हम 1981 में टाटा स्टील को संकट के घड़ी में साथ दिया है। हमारे आधा मजदूर साथियों को टाटा मैनेजमेंट ने स्थायी नौकरी दिया है और हम सबों को स्थायी नौकरी से हम लोग को वंचित रखा गया है। और हम अपना जज मांग हम शुरू में था हमें स्थायी किया जाए, लेकिन स्थायी नहीं कर पाया तो हम लोग अपना मुद्दा को थोड़ा सा फेर बदल किया और आज हम मांग कर रहे हैं हमें उचित पैकेज दिया जाए, हमारे आश्रितों को रोजगार दिया जाए। जब तक हमें सम्मानजनक उचित पैकेज नहीं मिलती है तब तक हम
इसको में आंदोलन रत है रहेंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के सरकारी योजना के तहत सोमवार को वैसे क्षेत्रों के सैकड़ों युवा आवेदन देने पहुंचे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के साक्षर युवाओं को रोजगार से जोड़ने की सरकारी योजना के तहत अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन देने सैकड़ों युवा पहुंचे। इसके तहत 11 मार्च को उनका साक्षात्कार होगा। ग्रामीण एसपी ने फॉर्म निकाला है और थाना को ग्रामीण एसपी ने बताया कि गांव सुदूर गांव में बेकार युवक युवतियां हैं, तो रोजगार के लिए यही फॉर्म निकाला है। अच्छा, यही मेरा जानकारी है। ग्रामीण एसपी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया, जो लोग हैं या जो 10वीं पास हैं या 10वां में पढ़ रहे हैं, आईटीआई उत्तीर्ण हैं, उनके लिए एक 3 माह के कोर्स का, 1 से 2 वर्ष के कोर्स का और एक इंस्ट्रक्टर के लिए 1 वर्ष का कोर्स है, जिसमें जो कैंडिडेट चुने जाएंगे उन्हें 3500 रुपया प्रति माह के रूप में दिया जाएगा। उसी के आलोक में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले वैसे लोगों से जो कि 10th पास हैं या आईटीआई किए हुए हैं, आवेदन पत्र दिनांक 28/2/15 तक आमंत्रित किया गया है। इसके लिए चूंकि इस जिले में 2 अनुमंडल हैं, तो घाटशिला अनुमंडल का जो क्षेत्र है वहाँ भी 28/2/15 तक आवेदन लिया जाएगा। जमशेदपुर अनुमंडल में भी 28/2/15 तक आवेदन लिया जाएगा। घाटशिला अनुमंडल में जो आवेदन पत्र 28/2/15 तक प्राप्त हो रहे हैं उनके इंटरव्यू की तिथि 8/3/2015 होगी, जबकि धालबोम अनुमंडल में जो अनुमंडल आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उनके इंटरव्यू की तिथि 11/3/2015 को 11 बजे से होगी। धालबोम अनुमंडल का जो इंटरव्यू होगा वो मेरे कार्यालय में होगा, जबकि घाटशिला अनुमंडल का जो इंटरव्यू होगा लोगों का, जिसके आधार पर प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जाएगा, वह 8 मार्च को 11 बजे से अनुमंडल पदाधिकारी घाटशिला के कार्यालय में।